हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप हर एज ग्रुप का बहुत फेवरेट स्नैक्स है, तो आइए देखें इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है 6 पीस चिकन के, एक एग, थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च और धनिया की पत्ती। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन लॉलीपॉप के लिए मैरिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने अच्छे से ये मैरिनेट होता है टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम चिकन में एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं, एक चम्मच चिली सॉस, ये रेसिपी मैं 6 पीसेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आधा चम्मच सोया सॉस और काली मिर्च 2 चुटकी, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और धनिया की पत्ती, खूब सारी धनिया की पत्ती। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम कम से कम इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जितने अच्छे से ये सारा मसाला मिक्स होगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया, अब इसको हम रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। अब हम बैटर बनाते हैं। इसके लिए 6 पीस के अकॉर्डिंग मैं 3 टेबल स्पून मैदा लिया, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और काली मिर्च थोड़ी सी, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक आपके स्वादानुसार। अब इसको हम मिक्स करेंगे और 1 एग, इसको डाल के अच्छे से हम इसको पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, पेस्ट बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। ये पेस्ट बन गया, बट ये पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमारा पकौड़ी का पेस्ट होता है उतना। ठीक है, तो आप देखें कि ये मेरा पेस्ट तैयार है और अच्छे से, यहाँ कहीं कोई इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए और लास्ट में हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको डीप फ्राई करते हैं। ठीक है, तो आप रेडी हो? मैं भी रेडी हूँ, फिर देर किस बात की, चलिए करते हैं डीप फ्राई। जो ऑयल आप प्रेफर करते हो वो आप डाल लो, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको आप अच्छे से डिप करके इसको डीप फ्राई करते हैं। ठीक है, अब इसको डीप फ्राई होने देते हैं मीडियम आंच पे धीरे धीरे, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। ये चिकन लॉलीपॉप रेडी है और सच बताऊं तो टेस्ट में भी बहुत यमी है, पर ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जानने के लिए फटाफट ट्राई करें और साथ में मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।